केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प में दोषी कौन, जांच का विषय। दुमका जिला के रानेश्वर प्रखंड के टोगरा थाना अंतर्गत बांसकुली गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प में दोषी कौन, यह एक प्रश्न बनकर सामने आया है। इस झड़प को प्रशासनिक विफलता कहें या ग्रामीणों के बीच कोरोना का डर। एक ओर जहां पुलिस अधिकारी का कहना है कि ग्रामीणों ने पहले पत्थरबाजी की, तब पुलिस ने रक्षा के लिए ग्रामीणों पर लाठी चलाई। दूसरी तरफ ग्रामीणों का कहना है कि पहले पुलिस ने ग्रामीणों को लाठी से पीटा और पुलिस द्वारा पत्थर फेंक कर ग्रामीणों को मारा गया, तब ग्रामीण उग्र हो गए। फिलहाल पुलिस ने टोगरा थाना प्रभारी डीएन सिंह के बयान पर 35 नामजद एवं 70 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है, जिस कारण ग्रामीणों के बीच भय का माहौल बन गया है। यह घटना क्वारंटीन सेंटर को लेकर है। बताते चले कि बांसकुली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद से नेपाल दास एवं विकास माल गांव लौटे थे। ग्रामीणों ने उन दोनों को गांव घुसने नहीं दिया और क्वारंटीन सेंटर में रहने को कहा। रात को क्वारंटीन सेंटर का ताला नहीं खोला गया, जिस कारण दोनों ने एक पेड़ के नीचे रात गुजारी। सुबह दोनों रानेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए, जहां वीडियो के आदेश पर दोनों को होम क्वारंटीन का आदेश दिया गया। रात में बांसकुली क्वारंटीन सेंटर नहीं खोलने से नाराज ग्रामीणों ने सुबह सेंटर में ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का कहना था कि जब गांव के लोग ही क्वारंटीन सेंटर में नहीं रहेंगे तो बाहर के लोग भी इस क्वारंटीन सेंटर में नहीं रहने देंगे। सुबह पुलिस क्वारंटीन सेंटर में लगे ताले को खुलवाने गई थी, इस बात को लेकर ग्रामीण एवं पुलिस के बीच झड़प हो गई। बातचीत हुआ, उसके बाद हम लोग गए थे, जाके देखा तो ताला लगा हुआ गेट में। तो हम लोग का गांव का दो आदमी आया था रात को, तो बोला कि रहने के लिए चाबी मांगने गया था, बोला कि नहीं नहीं मिलेगा चाबी, ऑर्डर नहीं है। और BDO साहब आया था और थाना का बड़ा बाबू आया था रात को, बोला कि चाबी नहीं खुलेगा, चलो घर भेज दो इन लोग दोनों को। दोनों का अपना अपना घर भेज दिया। वो चौकीदार था हम लोग का, सिजुआ का, दोनों घर छोड़ के चला गया। बात यही, फिर सुबह क्या हुआ? सुबह वही बोला, दोनों पुलिस आया बोला कि गेट खोलने के लिए, गेट खोलने के लिए बोला था कि गांव वाला सब गया, बोला कि गेट नहीं खुलेगा, बाहर का आदमी नहीं रहने देंगे। गांव का आदमी जब रहने नहीं दिया है तो बाहर का आदमी कैसे रहने देंगे। आपको उधर से दुमका तब जब पहुंचे हैं, दुमका तो फोन किया घर में, जब बोला रहेंगे कहाँ, बोला ये हॉस्पिटल में रहेगा। जब हॉस्पिटल तक आया हम, उसी टाइम चाबी खोजने के, चाबी नहीं दिए नहीं। उसके बाद बड़ो बाबू आया, चाबी नहीं मिला, उसके बाद बड़ो बाबू बोल के चौकीदार घर में घुसा गया। कोरोना पता है ना क्या बीमारी? हम लोग को क्या, हमारे रहने वाला था हॉस्पिटल में, हम लोग को भेज दिया जाए, इसीलिए तो उधर से उधर ही चला गया। कौन भेज दिया आपको घर? घर बड़ो बाबू ने। वहीं जांच हुआ आपका? जांच तो उधर मिशन में हुआ है, आने का टाइम निकाल, फिर गया रघुनाथपुर, उधर से जांच के करके कागज लेके आया है। क्वारंटाइन में रहे कहीं? हाँ। कहाँ कागज लाएंगे? बताइए क्या घटना हुई कल, क्या मामला हुआ? मेरे गांव का दो लेबर आया था बाहर से, गुजरात से, उसको क्वारंटाइन में नहीं रखा गया है, पुलिस ले गया था दूसरा गांव से, फिर चौकीदार ने घर में घुसा दिया, इसलिए हम लोग इसलिए हॉस्पिटल में ताला लगा दिया। फिर क्या हुआ? पुलिस आए थे, DC आए थे, उसको आए थे, वो फैसला नहीं हुआ। पुलिस और BDO आए? BDO आए थे। हैं फिर क्या हुआ, क्या फैसला? फिर हम लोग ताला खोल दिए थे, जब हम लोग पीछे हट गया तब वो लोग लाठीचार्ज कर दिए। हम गए थे गुजरात काम करने के लिए, पाइप कंपनी में, तो वहाँ सास खाना पीना नहीं मिलता है, एक महीने हो गया खाना पीना कोई मिल रहे हैं, वहाँ क्या करेंगे सर, इसीलिए हम लोग घर चले आए। तो कोरोना बीमारी समझते हैं क्या है? हाँ सर समझते हैं। क्या है ये? ऐसा हम तो समझते क्या है, एक दूसरे से फैलता है, ऐसा हम ही जानते से फैलता है, इसीलिए तो हम लोग एक महीने रुका है वहाँ। तो अभी आपको बाहर से आया दूसरे स्टेट से, तो आपको क्वारंटाइन में 14 दिन रहना था ना? हाँ सर, तो हम लोग सर अस्पताल के साथ रहते था, तो वहाँ हमारे लोग ने अस्पताल में घुसने नहीं दिया, हम एक दिन के रहना चाहते था, ये साथ में रहेंगे, सवेरे हम इलाज के लिए चला जाएंगे। सर ये कल टोगरा थाना के बांसकुली में जो है ग्रामीणों ने पुलिस पे हमला, क्या मामला था, क्यों हमला? बांसकुली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को क्वारंटीन सेंटर के रूप में बनाया जाना था,
इसी को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और कल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वे लोग तालाबंदी कर दी। इसी को लेकर समझाने बुझाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी गए हुए थे, बाद में हम लोग भी पहुंचे थे। तो वो लोग किसी तरह से मानने को तैयार नहीं हुए कि क्वारंटीन सेंटर यहाँ बनने नहीं देंगे और इसी बीच में लोग फिर पथराव शुरू कर दिए, इसके कारण ये घटना घटी। पथराव में पुलिस को क्या नुकसान है? पुलिस के 6 पुलिसकर्मी को चोट लगी है, जिसमें से 1 पुलिसकर्मी के सिर में चोट लगी है, जो ASI शंकर राव। गाड़ियों में भी तोड़ नहीं, गाड़ियों में तोड़ फोड़ लिया। अब तक क्या कार्रवाई है? अभी तक प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है, लगभग 35 लोगों पर नामित और लगभग 60 से 70 लोग जो है अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।